उत्तर प्रदेश सरकार में ताकतवर मंत्री रहे मोती सिंह मौजूदा समय के हालात पर बहुत नाराज दिखे हैं। तो बीजेपी की पट्टी विधानसभा में मतदाता सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें मोती सिंह ने सरकार के कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए। राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने भ्रष्टाचार को लेकर अपनी ही सरकार पर जमकर यहां निशाना साधा और उन्होंने क्या क्या कहा है। उन्होंने साथ ही कहा है कि थानों और तहसीलों में ऐसा भ्रष्टाचार उन्होंने अपने 4 दशक से ज्यादा के राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखा। वो खासा सरकार से नाराज नजर आए। तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा हूं, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है। हम अपराध न करें हम अपराधी हो गए, कोई हाथरस के बाबा है कि हम कह रहे हैं मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। Z News.